हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑन गोइंग चैप्टर चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 इकोनॉमिक्स। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस WTO। ठीक है, इससे पहले भी हमने दो वीडियोस में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो क्या होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप यू नो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ट्रेड या फॉरेन मार्केट की बात करते हैं, तो WTO एक मेजर इसमें अपना इनपुट देता बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बेटा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विच सपोर्ट्स फ्री ट्रेड अक्रॉस द कंट्री। फ्री ट्रेड, अब देखो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, फ्री ट्रेड। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार। फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र व्यापार। अगर आप किसी भी कंट्री में व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं बेटा, तो जो बैरियर्स हैं, जो टैक्स हैं, जो कस्टम ड्यूटीज हैं, वो सब फ्री कर दिया आपसे। ठीक है, इस बात को सपोर्ट कौन करेगा, WTO। ठीक है, इट वर्क्स टू लिबरलाइज। अब ये क्या है, इसका मेन वर्क क्या है बेटा, टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करवाना उन कंट्रीज को, बाय द मेकिंग इट्स द मेंबर कंट्रीज। जो भी इसके मेंबर बने हुए WTO में, ऑलमोस्ट 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं बेटा, तो वो सब इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और अपने ट्रेड एक्टिविटी अपनी कंट्री के अंदर दूसरी फॉरेन कंट्रीज को आने में जितना मोबिलाइज कर सकते हैं अपनी कंडीशंस को, वो करेंगे बेटा। ठीक है, रिमूव द ट्रेड बैरियर विच दे हैव इन द प्लेस। WTO एंड द सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इसके जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, बिलीव दैट द बैरियर्स टू द ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट आर बैड। ये क्या कहते हैं कि बेटा, जब हम व्यापार करेंगे, इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, और उसके अंदर आप बैरियर्स लगाते हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं। इट्स अलाउ यूनिफेयर एडवांटेज। अब यूनिफेयर एडवांटेज को ये अलाउ करेगा बेटा, ऑन वन सेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द हार्म अदर्स। WTO हैज़ 164 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं बेटा इसमें, 164 मेंबर्स कंट्रीज, ऑल ऑफ विच हैव नॉट ओपन अप देयर ट्रेड, और सभी ने अभी जितने भी ऑल ऑफ विच सभी ने अपने लिए फ्री ट्रेड को यू नो कर रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कंट्रीज ने इसको फॉलो किया है, कुछ कंट्रीज ने अपने यहाँ पे बेटा ट्रेड एक्टिविटी में अभी भी कुछ रूल्स या कुछ बैरियर्स लगा रखे हैं। सो इट इज़ सीन डैट द वाइल WTO फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज, डेवलप कंट्रीज हैव यूनिफेयरली रिटेन द बैरियर्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट अलग अलग हो सकते हैं बेटा, इंडिविजुअल्स कस्टम कंज्यूमर पर अलग होंगे, कंपनीज पे अलग होंगे बेटा, बिजनेसमैन पे उसके कुछ इम्पैक्ट अलग हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज़ द मेन इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा बेटा, तो फर्स्ट, मोर प्रोडक्ट एंड द सर्विस आर अवेलेबल इन द कंज्यूमर ड्यू टू द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। अब देखो, जब बहुत सारी कंपनीज आएंगी, अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं बेटा, शॉपिंग करने जाते हैं, क्लोथ लेने जाते हैं, जींस लेने जाते हैं, कुछ भी कपड़े लेने जाते हैं बेटा, तो हम अलग अलग ब्रांड के कपड़े देखते हैं, अलग अलग शॉप पे देखते हैं, और जहाँ से हमें बेनिफिट हो, जहाँ पे प्राइस हमें कम देना पड़े, हम वहाँ से लेते हैं। तो जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है मार्केट में, एज ए कंज्यूमर मेरे लिए वो अच्छा है, क्योंकि मुझे कम पे करना पड़ेगा। हायर क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइस, और हायर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के मुझे मेरी गुड्स, जो भी मुझे नीड है बेटा, वो मुझे कम प्राइस में मिल जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उससे मेरा लिविंग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीने का जो मेरा तरीका है, क्योंकि मैं ब्रांड के कपड़े पहनूंगा, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनूंगा, ठीक है, कम कीमत में मैं अपने लाइफ स्टाइल को अच्छी तरह से स्पेंड कर पाऊँगा, सो डैट मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ कंपनीज़ के लिए क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं बेटा, सो MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव बीन एबल, अब क्या एबल करेंगे बेटा, टू गेट द बेस्ट स्किल्स मटेरियल्स एंड द वर्कर्स एट द लोअर कॉस्ट। देखिए, जब फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको फॉरेन स्किल्स सीखने को मिलेगा बेटा, बाहर से जो यू नो इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनके जो मटेरियल्स हैं और जो वर्कर्स हैं, वो उनको और अच्छे मिलेंगे बेटा। सप्लायर्स होते हैं बेटा, जो सप्लाई करते हैं, जो डिलीवर करते हैं किसी चीज़ को, गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को, वी नोन एज सप्लायर्स। ऑफ सच रॉ मटेरियल्स हैव बीन एबल टू इंक्रीज देयर
प्रोडक्शन हैज MNCs इंक्रीज प्रोडक्शन विद द मोर कंज्यूमर परचेसिंग देयर गुड्स, ठीक है, वो भी उसको परचेसिंग करेंगे. लोकल कंपनीज हैव इम्प्रूव्ड, अब लोकल कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, इम्प्रूव करेंगी किसे, देयर प्रोडक्शन टेक्निक बाय द अडॉप्टिंग बेटर टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स ड्यू टू द कॉम्पिटिशन विद MNCs. पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस, देखिए पार्टनरशिप होती है एक टाइप से आप पार्टनरशिप करते हैं ना 50-50% पे 60-40 पे, ठीक है, शेयरिंग उसमें होगा. और कोलैबोरेशंस होता है आप दो कंपनी का एक तरह से पैचअप हो जाना. जैसे हमने हमारी बुक में एग्जाम्पल पढ़ा जब फोर्ड मोटर्स कंपनी जो अमेरिका का कंपनी है 1995 में जब इंडिया में आया तो उसने इंडिया की जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो जीप्स और ट्रक्स बनाती है उसके साथ उन्होंने पैचअप किया, कोलैबोरेशंस किया, तो दोनों का उसमें बेनिफिट हुआ बेटा. सो दे कोलैबोरेशंस ऑफ द लोकल कंपनीज, तो जो लोकल कंपनीज होती है वो उसमें कोलैबोरेशंस करती है और उसको एक्सपेंड भी करती है. सो मैनी इंडियंस कंपनीज हैव बीइंग ग्लोबल प्लेयर्स, अब वो बहुत ग्लोबली भी बन जाते हैं, ठीक है, जैसे जियो कंपनी है. प्रेजेंटली द इमर्ज ऑफ द न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस एंड डिमांड फॉर न्यू स्किल्स, और नए नए एरियाज बिजनेस के लिए बनते हैं बेटा और उनके स्किल्स की डिमांड भी होता है. और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर टू द इमर्ज ऑफ मोर जॉब्स क्रिएट होते हैं बेटा, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन कंपनीज आती है हमारे मार्केट में, तो जॉब क्रिएट होंगे और हमें जॉब मिलेगा. सो दिस इज कंप्लीट योर चैप्टर. थैंक यू.